लखनऊ में राहुल और प्रियंका ने रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश की। सक्रिय राजनीति में पर्दापण के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने मिशन यूपी के तहत उत्तर प्रदेश में 5 घंटे तक रोड शो किया। प्रियंका के साथ उनके भाई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। राहुल गांधी ने कहा, हर प्रदेश में फ्रंट फुट पर खेलेगी कांग्रेस, यह विचारधारा की लड़ाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने लखनऊ में अपना पहला मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में शामिल हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के भाई राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में फ्रंट फुट पर खेलेंगे, हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव के साथ यूपी की विधानसभा भी है। हम अगले चुनाव में यूपी में गरीबों किसानों की सरकार लाएंगे। गुर्जर आंदोलन चौथे दिन भी जारी, कई ट्रेनें लेट तो कईयों को करना पड़ा डाइवर्ट। राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण के लिए आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। गुर्जर नेता मुंबई पुणे रेल मार्ग पर पटरियों पर बैठे हैं, जिसके चलते कई प्रमुख ट्रेनें रद्द की गई और उनके मार्ग में बदलाव भी किया गया है। जम्मू में फंसे हुए कश्मीरी यात्रियों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, झड़पों में 6 घायल। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने से जम्मू में फंसे हुए यात्रियों ने प्रदर्शन किया। यात्रियों ने पाकिस्तानी समर्थक नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें भी शुरू हो गई। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। 20 साल की लड़की को किडनैप कर 11 लोगों ने किया गैंगरेप, फिर छोड़ने के लिए मांगी फिरौती। लुधियाना के दाखा इलाके में 20 साल की युवती से 11 युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पीएम मोदी ने पेट्रोटेक 2019 का किया उद्घाटन, सीएम योगी सहित कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में पहुंचे, यहां उन्होंने 13वें पेट्रोटेक 2019 का विधिवत उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 300 करोड़वीं थाली में परोसा खाना। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में गरीब बच्चों को भोजन परोसा। इस फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों को 300 करोड़वीं थाली परोसे जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और स्वस्थ बचपन पर जोर दिया। दिल्ली में चंद्रबाबू के अनशन में पहुंचे राहुल, मनमोहन और केजरीवाल, टारगेट पर रहे पीएम मोदी। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर 12 घंटे के उपवास और धरने पर हैं। नायडू के अनशन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। यूपी उत्तराखंड में जहरीली शराब का कहर जारी, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 108। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा, मौतों का आंकड़ा बढ़कर 108 पहुंच गया है। अभद्र टिप्पणी मामले में सीएम केजरीवाल को अदालत से मिली बड़ी राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। केजरीवाल को उत्तर प्रदेश के अमेठी की अदालत में इस मामले में निजी रूप से पेश होने से शीर्ष न्यायालय ने छूट दे दी है।